आज हमारे बीच वो फनकार आ रहे हैं जो पिछले 20 साल से खूबसूरत म्यूजिक से हम सबको एंटरटेन करते आ रहे हैं. ये वही हैं जिन्होंने दिल चाहता है, कल होना हो, कभी अलविदा ना कहना, बंटी और बबली, तारे जमीन पर, माय नेम इज खान और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी फिल्मों के म्यूजिक को सुपर हिट ही नहीं बल्कि यादगार बना दिया. प्लीज वेलकम द अमर अकबर एंथनी ऑफ इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री, मिस्टर शंकर एहसान लॉय. शंकर सर, एहसान सर, लॉय सर, आप सबका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है. ये वीराने में भी चले जाएं तो उसे गुलशन बना देते. वाह. अपने संगीत और सुरों से हर महफिल को सजा देते हैं. क्योंकि गीत अमर कर देने का करिश्मा है जिनके पास. अरे जुगनू को भी छू दे तो चमकता सितारा बना. सर, आप सबका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है. आइए प्लीज. ये सोफा जो है आपके लिए बकायदा पेस्ट कंट्रोल करवाया गया है. अच्छा, मैं क्योंकि म्यूजिक का बहुत बड़ा फैन हूँ और आप तीनों का इतना बड़ा फैन हूँ, मैं शंकर सर से तो मुलाकात होती रहती है. एहसान सर, आप, लॉय सर, आप मुझे जानते हैं? हाँ, मैं जो सर, सबसे पहले तो आप सबको. हाँ, मिस्टर कपिल शर्मा. माने कोई स्टॉर्म लॉर्ड. सर, आप तीनों को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई. मिर्ज़ा का म्यूजिक जो है, आपके पहले जितने भी एल्बम्स आए हैं, जितने भी पहले अपने फिल्मों में म्यूजिक दिए हैं, एज यूजुअल लोग बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं. आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. सर, ये मजाक नहीं है, हकीकत है. जो आज आपने म्यूजिक आके यहाँ बरसाया है ना, रिमझिम बरसात की तरह, कसम से कह रहा हूँ, 250-300 एपिसोड हो गए. आज नवजोत सिंह सिद्धू नाचता हुआ दूसरी बार स्टेज पे गया. दूसरी. आज आप तीसरी, चौथी, पांचवी बार भी आएंगे. अभी तो मामला शुरू हुआ है. नहीं, नहीं, आत्मा को छू लिया. थैंक यू वेरी मच. आत्मा जगा दी, एकदम से बंदा खड़ा हो गया. सरदार खुश हुआ. मिर्ज़ा में हम लोग दो इरा की कहानियां साथ साथ चलते हुए देख रहे हैं. एक कंटेम्प्रेरी मिर्ज़ा है और एक मिर्ज़ा जब हुआ करता था उस जमाने में. अच्छा, शंकर सर ने जैसे गाया है, आप उस जमाने में होते, आप आवाज देते ना, मिर्ज़ा वापस आ जाता. सर, मुझे ऐसा लगता है. मिर्ज़ा एक बार तो दे, ओहो, शंकर जी आया मैं. सर, आपने फिल्म में म्यूजिक भी दो एरा का ही क्रिएट किया है, एक तो कंटेम्प्रेरी और एक जब मिर्ज़ा दिखाया गया है कि असल में मिर्ज़ा जिस पीरियड में था. एक्चुअली ऐसा नहीं है. अच्छा, पूरा जो स्टोरी है, इट्स वोवन अराउंड द म्यूजिक. पहले हम लोगों ने म्यूजिक क्रिएट किया. ओके. जैसे स्टोरी बढ़ता जाता है, टाइम जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसे जाता रहता है जी. तो बट द म्यूजिक जो है वो कांस्टेंट रहता है. ओके. जो मतलब जो उस जमाने की प्यार की जो गूंज है जी. वो आज भी होनी चाहिए. सो दैट इज बेसिकली द थिंग. सो बेसिकली जो स्टोरी टेलिंग है वो म्यूजिक के थ्रू ही दर्शकों को बताई जा रही है. नॉर्मली फिल्म में आप देखें 5 गाने होते हैं, इस फिल्म में 15 गाने हैं. तो सर, पेमेंट कितनी फिल्मों के लिए आपने, आई मीन, क्योंकि क्या है कि कुछ गाने छोटे जी, कुछ गाने बड़े. ओके. तो वजन के हिसाब से हमें पे कर रहे हैं. अच्छा. जो लंबा गाना है उसके लिए और पैसे मिले. ओके. एकदम छोटी सी जो गाने थे जी, लाइक 30 सेकंड्स है सर, उसमें कुछ 2000 रुपये मिले. अच्छा, हो गया, हमने अपने वजन के हिसाब से पेमेंट दे. अब जानते हैं सबसे ज्यादा किसको मिलता पेमेंट, है ना. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.